पाकिस्तान के खुर्रम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा बलों को आतंकियों ने निशाना बनाया। सुरक्षा बलों की गाड़ी के पास धमाका हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने धमाके के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। ये घटना पाकिस्तान के खुर्रम में हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारत पर संवाददाता गुलाम अब्बास पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाम, क्या जानकारी आपको मिल रही है इस हमले के बारे में? अभी क्या स्थिति है, कौन लोग थे और किस तरह से हमला किया गया? देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब कुरम का इलाका है जहां पर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी जो जा रही थी उसको पहले माइन के जरिए उड़ाया गया धमाके से, और उसके बाद जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 4 जवानों की मौत की कंफर्मेशन हो चुकी है, जबकि 3 घायल है जिसमें से 1 को क्रिटिकल बताया गया जिसको करीबी हॉस्पिटल में इंतकाल कर दिया गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जुड़े हुए इलाके में TPP जो तहरीक तालिबान है वो ऐसी एक्टिविटीज करती रही है। तमाम अभी तक उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि अफगानिस्तान के एरिया में होने वाले TPP की एक्टिविटीज जो है वो पाकिस्तान में आकर TPP के टेररिस्ट जो अटैक करते हैं ये भी इसी चीज़ की कड़ी हो सकती है। तमाम अब तक जो कंफर्मेशन है वो 4 पाकिस्तान आर्मी के जवानों की मौत है जबकि 3 जो घायल है जिसमें से 1 क्रिटिकल बताया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका गुलाम अब्बास इस जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के पास कुर्रम में यह आतंकी हमला, 4 लोगों की मौत की खबर अभी तक। बढ़ते आगे, देश दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर भारतीय नेवी के ऑफिसर्स और जवान भी समंदर में योग करते हुए नजर आए। समंदर में लहरों के बीच युद्ध पोतों पर भारतीय नेवी के जवान योग करते दिखे। समंदर में देश की सीमाओं के प्रहरी भारतीय नेवी के जवानों ने योग दिवस पर INS तरकश पर योग किया। जवानों के साथ नेवी के ऑफिसर भी इसमें शामिल हुए। समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही INS तरकश पर नेवी के जवान योग कर पूरी दुनिया को योग की अहमियत का संदेश देते दिखाई दिए। तरकश पर नौसैनिक सूर्य नमस्कार सहित योग के कई आसन करते नजर आए। दूसरी तस्वीर भी भारतीय नेवी की है। INS एक पर भी भारतीय नेवी के जवानों ने योग किया। जवानों ने योग की शुरुआत प्राणायाम से की। तीसरी तस्वीर समंदर में देश की सुरक्षा के लिए तैनात INS तेग की है। तेग पर भी बीच समंदर में नेवी के जवानों ने योग किया। बीच समंदर में भारतीय नेवी के जवानों ने इस योग अभ्यास से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके साथ पूर्वी लद्दाख में हजारों फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में भी सेना के जवान योग करते नजर आए। इसके साथ सेना के जवानों ने उत्तरी सीमा पर हांड मास जमा देने वाली ठंड में भी योग करके अपना जोश दिखाया। योग दिवस पर सेना के योग के एक दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली। उधमपुर में NDRF की 13वीं बटालियन के जवानों के साथ उनका हर ऑपरेशन में बराबर का साथ देने वाली स्पेशल ट्रेन डॉग भी योग करते नजर आए।